Hi guys, तो मैं अभी ब्रह्मास्त्र देखने गई थी, तो मुझे कैसी मूवी लगी वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, हॉल में थिएटर में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बस कमेंट करते पूरी मूवी में, और ऐसा नहीं कि धीरे धीरे करे बट बहुत ज्यादा लाउडली करते हैं। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज जो भी आप बोलते हैं ना वो अपने तक ही रखिए, क्योंकि दूसरे लोग हॉल में डिस्टर्ब होते हैं। तो जब वो क्या कर रहे थे, मतलब शुरू से कि हमने मूवी क्यों बुक किया, उसके बाद मूवी शुरू हुई तो उसके हर एक डायलॉग पे उसका मजाक बना रहे थे, हर एक डायलॉग पे हंस रहे थे, और एंड में बोलते हैं काश हम ये रिफंड कर सकते। तो मतलब पूरी मूवी में पक 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 उनका चल ही रहा था उनको, और ये शो ऑफ की तरह कर लगता है उनको कि ओह ये शो ऑफ है, हम दिखा रहे हैं कि ऐसी मूवी इंडिया में बनती है। तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप इंडिया की मूवी का बहुत बुराई कर रहे हो। अरे यार, हॉलीवुड में तो कितनी अच्छी मूवी बनती है, इंडिया ये तो बच्चों जैसा कार्टून बना रहे। तो एग्जैक्ट उनके यही वर्ड्स थे जो कि वो लोग बहुत ही लाउडली बोल रहे थे। तो अगर आपको डिस्कशन करना है तो आप मूवी के बाद भी कर सकते हैं, और आप मूवी में अगर आपको करना है तो थोड़ा धीरे धीरे, ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हम लोग का भी फ्लो टूटता है। हम लोग अगर अच्छे से देखना चाह रहे मूवी तो हमारा भी वो फ्लो टूट जाता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो लोग करते हैं ऐसा हॉल में, प्लीज वो मत करिए। आते हैं मूवी के ऊपर। तो मूवी सबसे बेस्ट पार्ट है उसका VFX, उसका जो विजुअल्स है वो देखने में बहुत मजा आएगा 3D पे। आप ये OTT पे देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, 3D में मजा आएगा। वो जो अग्नि है, अग्नि का जो पूरा दिखाता है चारों तरफ, जिस तरह से वो विजुअल्स है वो बहुत ही अमेजिंग है। वो देख के अच्छा लगता है कि चलो इंडिया में भी एफर्ट ले रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बॉलीवुड मूवीज में अच्छा करने का। तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, रादर देन हमेशा ये बोलना कि बुरा मूवी है, कैसा बच्चे जैसा कार्टून जैसा। आप थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं ताकि आगे जाके और भी बेटर मूवीज बना पाए ये लोग। तो VFX के मामले में तो मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और उसके अलावा मूवी पूरा एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता है, एक मतलब एक अच्छा फील गुड लगता है, थोड़ा डिफरेंट है, कुछ अच्छा ट्राई कर रहे हैं। अभी इतना बॉयकॉट पहले ही से हो रहा था, मूवी रिलीज हुई नहीं कि उससे पहले से उसका रिव्यूज आ रहा था कि मूवी इतनी बेकार है। अरे बाबा, मूवी तो आने दो, उसके बाद आप उसकी रिव्यू करो जो भी करना, उससे पहले से आप कैसे कर सकते, इतना डिमोटिवेट आप कैसे कर सकते लोगों को। क्योंकि मूवी में सिर्फ हीरो हीरोइन इन्वॉल्व नहीं है ना जिसको आप बॉयकॉट करना चाहते हैं, उसमें इन्वॉल्व है कितने लोग नीचे लेवल से लेकर ऊपर तक जो मूवी के कारण ही पैसा कमाते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगती है मूवी तो उसको आप अप्रिशिएट करें तो बेटर है रादर देन बॉयकॉट करना। तो मुझे अगर मेरे से पूछा जाए तो आप अगर देखेंगे तो एक अच्छी फीलिंग आएगी कि एक अच्छी मूवी है। ऑफ कोर्स परफेक्ट नहीं है, तो अब बीच बीच में कभी कभी लगता है सॉन्ग्स क्यों डाला, क्योंकि हम फ्लो में जा रहे हैं और सडनली एक गाना आ गया। और उसके बाद कोई कोई लोग बोल रहे कि लव स्टोरी पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया है, मतलब जब इतना लव स्टोरी दिखाता है तो एक जो इंटेंस मूवी चल रही है उसका फ्लो रुक जाता है, मतलब सडनली लगता है कि अभी यार सडनली ये क्या गाना प्यार क्या होने लगा इतने इंटेंस मूवी के बीच। लेकिन ठीक है, वो भी आप झेल सकते हैं, मतलब इतना टॉर्चर नहीं है वो भी आपको देखने में मजा ही आएगा। तो अगर आप बॉयकॉट और ये सब पे मत जाइए, एक बार जाके आप मूवी देखिए और फिर आप भी बताइए कि आपको वो मूवी कैसी लगी। इससे पहले मैं लाल सिंह चड्ढा देखने गई थी, वो मुझे मूवी तो बिल्कुल ही उसमें कोई फील नहीं आई, एक्चुअली फील नहीं आई, तो मैं वो मूवी मुझे पसंद नहीं आई। फिर मैं दोबारा देखने गई थी, उसका भी मैं बहुत नेगेटिव रिव्यू देखी थी, लेकिन वो टाइम ट्रैवल के ऊपर था। तो ऐसी जब मूवीज होती है ना तो आपका दिमाग चलता है, ओ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, टाइम ट्रैवल क्या होता है। तो मतलब थोड़ा मतलब वो देख के फिर अच्छा लगता है कि चलो कुछ अलग है। तो वो भी मुझे मूवी ठीक ठाक लगी थी। उसके अलावा मैंने लाइगर देखी, लाइगर से एक्सपेक्टेशन था क्योंकि RRR और KGF अच्छा था, उसके बाद लगा ओ वाओ ये मूवी तो बहुत ही अच्छी होने वाली है, लेकिन मुझे ये मूवी अच्छी है कोई खास मूवी नहीं थी। मतलब एक्शन तक ठीक था, उसके अलावा ऐसा कोई ग्रेट एक्टिंग या कुछ बहुत ही ग्रेट ऐसा नहीं कि आपको एंड में लगेगा वाओ, ऐसा फील नहीं आएगा। मतलब आप ये OTT पे बैठ के देख सकते हो, TV पे बैठ के देख सकते हो, उसमें आपको जाके थिएटर में देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा मुझे तो ब्रह्मास्त्र पे आते हैं तो वो मुझे ठीक लगी मूवी। आप भी बताइए आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में।